जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के बी अक्षर से शुरू होता है, यानी बी नाम वालों का राशिफल 2021 जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। बी नाम वालों के लिए बी नाम वालों के स्वभाव की बात करेंगे, कैसे होते हैं बी नाम वाले। पारिवारिक जीवन की बात करेंगे यानी घर परिवार की। करियर व्यापार और नौकरी की बात करेंगे। धन की बात करेंगे। शिक्षा की बात करेंगे। वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंधों की बात करेंगे। स्वास्थ्य की बात करेंगे और इन सभी के बारे में बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक सुने, तभी आप बी नाम वालों का वार्षिक राशिफल 2021 की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए इनके स्वभाव की बात कर लेते हैं। ये इनका कदकाठी की बात करें तो इनका रंग साफ होता है, आँखों में एक चमक होती है, शरीर से बहुत कमजोर से नहीं होते हैं, थोड़े से मोटे या कहें सुगठित शरीर के होते हैं। इनमें सहन शक्ति बहुत होती है और सब्र भी खूब करते हैं, परंतु अगर इनको ज़्यादा छेड़ा जाए तो फिर क्रोध आने पर उग्र हो सकते हैं, फिर सरलता से काबू में नहीं आते। ये लोग अपने काम को सब्र के साथ धीरे धीरे करते हैं। इनकी इच्छा शक्ति बड़ी बलवान होती है, बड़ी ही यानी बलवान इच्छा शक्ति वाले होते हैं। ये लोग आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करते, अवसर की तलाश में रहते हैं, फिर समय आने पर उस अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं। इनमें कुछ लोग यानी बहुत ही कम लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आराम तलब होते हैं। ये अच्छा खाने के शौकीन भी होते हैं। सांसारिक सुखों के प्रति इनकी रुचि ज़्यादा होती है। इनका अपने जन्म स्थान के प्रति लगाव अधिक होता है। ये जीवन में नए नए रास्ते तलाशने में यकीन रखते हैं। ये जरा संकोची स्वभाव के होते हैं। ये लोग काफ़ी सेंसिटिव नेचर के होते हैं। इनके जीवन काल में कई ऐसे राज होते हैं जो ये गुप्त रखते हैं, यहाँ तक कि जो बहुत करीब होते हैं उनको भी पता नहीं होता। ईमानदार होते हैं, ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, अपने से बड़ों का पूरा सम्मान करते हैं। ये सौंदर्य प्रेमी होते हैं। सुंदरता चाहे नेचर की हो या किसी व्यक्ति की, ये सौंदर्य प्रेमी होते हैं। इनका कला के प्रति भी लगाव ज़्यादा होता है। स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। अपने जीवन में यात्रा बहुत करते हैं। मित्रों के लिए सच्चे मित्र भी होते हैं। प्रेम के मामले में थोड़े खुले विचारों वाले होते हैं। प्यार का इजहार कर लेते हैं। इनको प्यार में धोखे भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी से प्रेम करते हैं तो उसे कभी धोखा नहीं देते हैं। कहना चाहिए सच्चे मित्र तथा सच्चे प्रेमी होते हैं। अब इनके पारिवारिक राशिफल 2021 की बात करते हैं। पारिवारिक जीवन में 2021 में इनको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। बी नाम वालों को वर्ष के शुरू में परिवार से मनमुटाव हो सकता है, जिससे तनाव हो सकता है। मार्च का महीना परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, सब ठीक रहेगा। इस दौरान परिवार के लोगों के साथ संबंध मधुर होंगे। सितंबर 2021 तक घर परिवार में सुख शांति वाला माहौल रहेगा। आपको घर परिवार की तरफ से सहयोग मिलेगा। आपके भाई बहनों में आपस में मनमुटाव हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, विशेषकर जून जुलाई के महीनों में। आपके करियर व्यापार और नौकरी की बात कर लेते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए साल की शुरुआत धीमी रहेगी। आपके व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकता है। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो इस समय पर आपको अपने पार्टनर से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, वरना फिर आपके कारोबार में दिक्कत आएगी, घाटा उठाना पड़ सकता है। इस साल अप्रैल के बाद वाला समय आपके कारोबार के लिए अच्छा रहेगा। आपको कारोबार को फिर भी थोड़ा प्लान के साथ आगे बढ़ाना होगा। नौकरी करने वालों के लिए भी अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन एक बात अच्छी होगी, इस साल आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। आपको मान सम्मान मिलेगा। आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। प्रमोशन भी मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनको भी इस साल नौकरी बदलने का मौका मिलेगा और आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। बस आप अच्छे से प्रयास करें, मेहनत के साथ। धन की बात करें तो इस साल शुरुआत के में खर्चों की अधिकता रहेगी, इस पर ध्यान देना होगा। आपको जनवरी में थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना होगा, नहीं तो धन की कमी महसूस होगी। और नवंबर का महीना भी आपको धन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय सावधानी से खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, नहीं तो हानि होगी। 6 अप्रैल से 15 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। इस समय आपको धन लाभ होगा। इस वर्ष आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे धन लाभ की संभावनाएं अच्छी बनी रहेंगी। शिक्षा की बात करें तो इस साल आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। साल के शुरू में आपको ज़्यादा मेहनत के बाद ही परिणाम मिलेंगे। जनवरी 5 के बाद अप्रैल 16 तक ये समय अच्छा रहेगा आपके लिए। इस समय आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपने ध्यान को पढ़ाई पर केंद्रित करना होगा। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 26 अगस्त से 22 सितंबर तक आपको अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं।
अगर आप विदेश में पढ़ाई की सोच रहे हैं तो आपके लिए सितंबर और अक्टूबर का समय बेहतर रहेगा। अब आपके वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। इस साल आपके वैवाहिक जीवन में अप एंड डाउन रहेंगे। शादीशुदा जिंदगी में कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। इस साल पूरे वर्ष आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, वरना आपके शब्द ही विवाद का कारण बन जाएंगे और आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आ जाएगा। इसलिए आपको सलाह है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आप और आपका पार्टनर अपने अहम को आगे ना रखें, यानी आप दोनों एक दूसरे से अच्छा होने का प्रयास ना करें कि मैं अच्छा हूँ, वो कहें कि मैं अच्छी हूँ, ये बिल्कुल भी ना करें। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपको सामान्य से फल प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष की शुरुआत में आप अपने प्रियतम के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इसके बाद हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा समय ना दे पाएँ, एक दूसरे को ज़्यादा समय ना दे पाएँ। इस कारण आप दोनों में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जल्दी ही आप दोनों इस समस्या को दूर कर पाएंगे और आपस की नाराजगी समाप्त हो जाएगी। मई और सितंबर का महीना आपकी लव लाइफ में सबसे ज़्यादा अच्छा साबित होगा। इस समय आप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे। अच्छा समय है, लेकिन इस साल किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों में कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन आप दोनों इस समय को भी सुलझा लेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस वर्ष स्वास्थ्य समस्या को लेकर परेशान हो सकते हैं। साल के शुरू के 3 महीने आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी पूरे वर्ष ही स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। इसलिए इस साल आपको अपने खान पान पर बहुत ही ध्यान देना होगा। तले भुने भोजन को ज़्यादा ना लें, और अगर कोई भी स्वास्थ्य में तकलीफ दिखाई दो तो हल्के में ना लें, डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, वरना रोग लंबा खींच सकता है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपके लिए पूरे वर्ष पक्षियों को बाजरा डालना शुभ रहेगा। पूरे वर्ष यानी पक्षियों को बाजरा डालना शुभ रहेगा। गौशाला जाकर प्रत्येक शुक्रवार को गायों को हरा चारा गुड़ खिलाना भी शुभ रहेगा। शुक्रवार वाले दिन गरीबों को बतासे या फिर कोई भी सफ़ेद कलर की मिठाई बांटें तो शुभ होगा। प्रत्येक शनिवार को चींटियों को आटा डालें। ये कुछ उपाय की चर्चा की मैंने आपसे। मित्रों, आज मैंने आपसे बी नाम वालों का वार्षिक राशिफल 2021 के बारे में कुछ बातें की। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा आपकी वर्तमान दशा व अंतर्दशा की वजह से इस राशिफल में भिन्नता आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।